आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं नेहा बातम बोल रही हूं। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इराक में 39 लापता भारतीयों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अभी अभी एक बयान दिया है। उन्होंने दरअसल ये कहा है कि इस मामले में बीजेपी का बयान वही है जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया। आज तक ने मोसुल में भारतीय की पहचान की थी जो 39 भारतीय लापता हुए थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि वो सभी एक जेल में बंद है, लेकिन जब आज तक ने पड़ताल की तो पाया कि उस जेल का नामो निशान नहीं है। 39 लापता भारतीयों पर अमित शाह ने कहा है कि उनका बयान भी वही है जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था। आपको बता दें कि 39 लापता भारतीयों पर आज तक ने पड़ताल की क्योंकि चश्मदीद का यह कहना था कि उन सभी भारतीयों को मारा गया है। मोसुल में लापता भारतीयों की तलाश में आज तक पहुंचा था। हमारी टीम मोसुल जैसे बेहद खतरनाक एरिया में पहुंची, वहां पर पड़ताल की और लापता भारतीयों की तलाश में जब उस इलाके में आज तक की टीम पहुंची जहां पर वो जेल बताई जा रही है सुषमा स्वराज की ओर से, वहां पर जेल का नामो निशान नहीं है। अब अमित शाह की ओर से भी बयान आया है कि वो वही बयान देना चाहते हैं, वो वही कहना चाहते हैं जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि 39 भारतीय सभी सुरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। देव अंकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, अमित शाह ने क्या कहा है, क्या वही बातें वो कह रहे हैं जो सुषमा स्वराज ने कही थी, या फिर उनका ये कहना है कि जो आज तक की रिपोर्ट है वो सरासर गलत है? आज तक की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा, पर वो खुलकर सुषमा स्वराज के समर्थन में सामने आते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है उसका भी बिल्कुल वही कहना है कि जो 39 भारतीय हैं उनकी जो उनकी सर्च अभी जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है और जैसे ही वो मिलेंगे उनके बारे में बताया जाएगा। अमित शाह ने ये भी कहा कि जहां तक कांग्रेस का ये आरोप है, देवंकुर आपको रुकना चाहेंगे इस बीच, सुना देते हैं कि अमित शाह ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। दरअसल उनका ये कहना है कि सुषमा स्वराज से वो पूरी तरह से सहमत है। वहां गौहत्या पर प्रतिबंध का कानून हमने बनाया ही है। वहां के मुख्यमंत्री जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, मेरा प्रवास होने के बाद मैं उनसे चर्चा करूंगा। योगेंद्र शर्मा, बताइए सर, आप सही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री कहीं जा रहे हैं, दलित ने भोजन कर रहे हैं, कैश क्रेडिट सर, इससे दलितों को उत्थान हो पाए, दलितों को भोजन कर रहे हैं सर दलितों की। तो अब आपको बता दें कि आज तक से इराक के मोसुल में लापता भारतीयों की पड़ताल के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने सुषमा के बयान को गलत ठहरा दिया है। पहले देखिए दुनिया के सबसे खतरनाक जगह को किस तरह से बगदादी के गढ़ तक आज तक पहुंचा और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। जिंदगी उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। I'm sure that they have the prisoner. खुदा में इराक के मोसुल से गायब हुए 39 भारतीय बदूश की जेल में हो सकते हैं। देश के विदेश राज्य मंत्री कह रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद कीजिए कि भारतीय सुरक्षित हैं। और भारत में इराक के राजदूत फाखरी अलिस्सा कह रहे हैं कि संभव है इराक के मोसुल से लापता 39 भारतीय बदूश की जेल में हो। यानी दो देशों के तीन बड़े नाम ये मान रहे हैं कि आतंक के आका बगदादी की सल्तनत रहे मोसुल के बदूश में 2014 से गायब 39 भारतीय हो सकते हैं। बस इसी बात की पड़ताल के लिए आज तक उस मोसुल की जमीन पर पहुंचा जहां दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी अबू बकर अल बगदादी ने इंसानियत को खून खून किया। मोसुल से बदूस जाने में पल पल जान का खतरा था, कहीं भी बगदादी के आतंकियों से सामना होने का डर था। यहाँ की हवा में आतंकी बारूद बसी है, लिहाजा धमाके का डर लगातार था। मगर हम देखना चाहते थे कि बदूश में वो जेल कहाँ है जहाँ 2014 से गायब भारतीयों के रहने की संभावना जताई जा रही है। हम बदूश भी पहुंचे, लेकिन हमें जो दिखा
वो आप भी देखिए। दिस इज बदूश प्रिजन। दिस इज वेयर अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैज रिसीव्ड द 39 अबडक्टेड इंडियंस कुड पॉसिबली बी। But that information is clearly absolutely incorrect because this building, we're being told, was destroyed by ISIS itself years ago and this area was liberated a few months ago, in fact, by the counter-terrorism unit of Iraq. What's left are just remnants of what was once a prison where ISIS had come to get some of their Islamist brothers released from, and it is at that time that they also ended up occupying the city of Mosul. The question hence continues to be, where are the 39 Indians? It is important to have hope, but looking at this, I have to say this is not what I expected to find. We faced many problems while coming here, and one was hoping that perhaps there'd be some good news that one could return home with. यानी बदूश के जिस जेल को आधार बताकर उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है, उस जेल को बगदादी के आतंकियों ने खुद जमींदोज कर दिया है। यहाँ ना बंदा दिखता है ना बंदे की जान। तो फिर सवाल ये है कि मोसुल से गायब हुए 39 भारतीय कहाँ हैं? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? 39 गायब भारतीयों की मोसुल में आज तक की पड़ताल। बदूश से करीब 113 किलोमीटर की दूरी तय करके हम एरबिल पहुंचे। एरबिल इराक कुर्दिस्तान की राजधानी है और 3 साल तक बगदादी ने यहां आतंक का खुला खेल खेला था। हम यहां सीधे एरबिल रेड क्रॉस के दफ्तर पहुंचे, इस उम्मीद में कि हमें 39 लापता भारतीयों के बारे में शायद कोई सुराग मिल जाए। This is the office of the Red Crescent in Erbil, and we're about to go inside to find out if they have any information about the 39 Indians who were abducted in 2014. Remember, India's External Affairs Minister Sushma Swaraj continues to give hope to the families of these abducted Indians, and the Ministry of External Affairs did say that it was originally Red Crescent that gave them the information that the Indians are alive. So what's the status? Do they know anything? Have they been talking to the Indian government? Let's find out. यहाँ पहुंचकर हमने रेड क्रॉस अधिकारी से जानना चाहा कि क्या वो अगवा किए गए भारतीयों के बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं। सुनिए। You're in charge of Red Crescent in Mosul, right? Yeah. If there is any information that any of your volunteers or workers find or in Mosul about Indians, will that come to you? But 2 years, to 3 years, ISIS to control in the Mosul. And I didn't any information with the any people inside Mosul, not just Indian. But if there is any information, معلوماتي هبن أو معلوماتي بن بكن زنابد. أكيد. Yes, of course. If there is any information, so it will come to him. यानी आधिकारिक तौर पर भी अगवा किए गए भारतीयों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। एरबिल में 6,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, लिहाजा हमने सोचा कि क्यों न भारतीयों से ही 39 अगवा भारतीयों की जानकारी तलाशी जाए। इसे उद्देश्य से हम एरबिल के इस होटल में पहुंचे। यहां हमें तिरुपति नाम का ये शख्स मिला। सुनिए तिरुपति ने क्या कहा। It's very sad to they are stuck there. I don't know about them, where they are. We want to know where they are, where they are safe or they are in trouble or like that. We hope, 100% hope they are safe, but we want to know where they are now. यानी भारतीय होने के नाते यहाँ रहने वाले लोगों को दुख तो है, मगर इस बात की जानकारी नहीं कि 39 लापता भारतीय आखिर हैं कहाँ। मगर सवाल ये भी है कि जब बदूश का वो जेल ही बगदादी के आतंकियों ने बारूद से उड़ा दिया, तो फिर भारत सरकार किस दावे से कह रही है कि अगवा किए गए भारतीय बदूश की जेलों में बंद हो सकते हैं। मोसुल से आंचल बोहरा और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी बगदादी के गढ़ में आज तक की टीम अब भी मौजूद है। कुछ देर पहले आज तक स्टूडियो में वो एरबिल से लाइव थी। लाइव राहुल कंवल से बात की हमारे संवाददाता आंचल बोहरा ने। आंचल, सबसे पहले आप बताएं कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया आपने इरबिल से होते हुए मोसुल पहुंचते वक्त, और फिर मोसुल से आगे
बदूश पहुंचते वक्त, ये वो इलाका है जहां पर अब तक सरकार नहीं पहुंच पाई, वहां पर आज तक की संवाददाता पहुंची, किस तरह से आपने ये पूरी यात्रा की और बताइए आपने क्या देखा वहां? देखिए, पहली समस्या तो आती है जब खूब सारे परमिशन आपको लेने पड़ते हैं। अरबिल के कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बहुत हेल्पफुल हैं जब इंडियंस की बात आती है, लेकिन काफी परमिशन लेने पड़ते हैं। उसके बाद काफी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स आपको क्रॉस करने पड़ते हैं और उसमें आपको रोका जाता है, सताया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें जो डेंजरस चीज है, जब हम बदूश पहुंचे उस वक्त ये जो जो जेल जो नहीं है अभी, लेकिन जहाँ पे पहले थी वो एक मिट्टी की जगह है, एक फील्ड है, और वहां पे हमें बताया गया कि बहुत माइंस हैं। तो जो खास डिवीजन है इराकी फोर्सेस की, गोल्डन डिवीजन उसे कहते हैं, उसके सिपाही आगे चले, वो नीचे देखते देखते कि नीचे माइंस है या नहीं है, वो देखते देखते चले। बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां, इसीलिए फ्लैक जैकेट पहनना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस एरिया में स्लीपर सेल्स आइसिस के अभी भी मौजूद हैं, इसीलिए हमने फ्लैग जैकेट भी पहना। तो एक ये भी खतरा था कि स्लीपर सेल्स अगर है तो आइसिस वहां हो सकता है और गोलीबारी वहां चल सकती है। तो ये तो एक पर्सनल जो रिस्क पत्रकार लेते हैं, मैं ही नहीं काफी पत्रकार दुनिया में लेते हैं। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट राहुल ये थी कि जब वहां पहुंचे तो जो हमने देखा उसे देख के लगा कि पूरा जो एफर्ट है वो बेकार ही हुआ, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि शायद कोई इंडियन हमें वहां दिख जाएगा, शायद हम एक गुड न्यूज लेके ये रिपोर्ट भेजेंगे। और जो रिपोर्ट अभी जा रही है वो तो दुखद रिपोर्ट ही मैं इसे मानूंगी, क्योंकि प्रिजन वहां थी नहीं और हम किसी इंडियन को ढूंढ नहीं पाए। तो एज अ रिपोर्टर, एक पत्रकार के नाती, तो मतलब मुझे बुरा लगा कि मैं आई थी कि शायद मैं किसी इंडियन को ढूंढ पाऊं, और सबसे मुश्किल जो एक्सपीरियंस था वो वही था। और अब हम आपको दिखाते हैं मोसुल के बाशुद जेल की दो तस्वीरें। ये वही जेल है जहां 39 भारतीयों के कैद किए जाने की खबर बताई जा रही थी। देखिए, जेल की पुरानी तस्वीर एक तरफ है और दूसरी तरफ है जेल की ताजा तस्वीर, जिसे अब आईएस ने खुद ही जमींदोज कर दिया है। दोनों तस्वीरों में फर्क देखा जा सकता है। पुरानी तस्वीरों में जेल मौजूद है, लेकिन दूसरी तस्वीर में जेल का कहीं नामो निशान नहीं है। इराक में लापता 39 भारतीयों पर सियासी घमासान के बीच पीड़ितों के परिजनों को सरकार पर भरोसा पक्का है कि मोसुल से अगवा हुए भारतीय सुरक्षित हैं। अगवा भारतीयों के परिजनों को भी उम्मीद है कि उनके अपने आज नहीं तो कल जरूर लौट आएंगे। तो फिर भी सर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को मेरे सामने मारा है। जी सर। और कोई उम्मीद नहीं कि कोई बच पाया हो उनमें से, जैसे आप बच गए जैसे? हाँ सारे तो मैं पहले कह चुका हूँ, हो सकता है कोई एक दो बचाओ, क्यों सारों की मैं तो नहीं बोल सकता कि बची होंगी, क्योंकि हो सकता है एक दो बच। 3 साल से बार बार गुरदासपुर का हरजीत यही कह रहा है कि बगदादी के खूंखार आतंकियों ने 39 भारतीयों को उसके सामने ही मार दिया। पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बार बार सारा नहीं कहना चाहता कुछ भी, वो सारा सभी को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उन लोगों ने किडनैप किया, पकड़ा, 2 दिन रखा, फिर उन लोगों ने मारा, सब पता है, सभी को पता है कैसे कैसे हुआ है सर। इसलिए बार बार मैं नहीं कहना चाहता कि वो लोग उनके घर वाले देखेंगे फिर बोलेंगे पता नहीं बार बार वो ही कह रहा है। हरजीत वही शख्स है जो उस रोज बदूश में था। दरअसल मोसुल से आतंकियों ने 80 लोगों का अपहरण किया था, 40 भारत के थे और 40 बांग्लादेशी, सबको बगदादी के आतंकी बदूश लेकर गए। यही आतंकियों ने बांग्लादेशियों को तो छोड़ दिया मगर 39 हिंदुस्तानियों को मार दिया। तो सवाल ये है कि जब 39 हिंदुस्तानियों को आतंकियों ने मार दिया तो फिर हरजीत को क्यों छोड़ दिया? वो लोगों ने हमको मार दिया सभी को, उसने भी नाम लिया, उसको मार दिया। मैं बोला सभी को मार दिया है, बोला कर वहाँ बांग्लादेशी बैठे हैं अंदर, उधर जाके बैठ जा तू, उनको मत बताइयो कि मतलब कि उन लोगों को मार दिया है। मैं बोला ठीक है, बोला सुबह मैं जा रहा हूँ इरबिल, तुझे भी साथ में ले जाऊंगा तो छोड़ दूंगा उधर बॉर्डर पे। मोसुल से भागकर हिंदुस्तान आए हरजीत ने सबको ये बात बताई मगर किसी ने हरजीत की बात का भरोसा नहीं किया। सर मैं पहले भी उन लोगों ने नहीं विश्वास किया, अभी नहीं कर रहे, सब मुझे पता नहीं सर क्या चल रहा है क्या नहीं। सर मैं तो उधर वैसे ही अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ, मुझे सर कुछ पता नहीं तो लड़ाई लगी या नहीं लगी। बगदादी के आतंकियों ने जिन 40 लोगों को अगवा किया था उसमें अमृतसर के भोईवाल गांव के मनजिंदर भी थे। मनजिंदर की बहन गुरपिंदर कौर से सुनिए कि हरजीत की बातों पर उन्हें भरोसा क्यों नहीं हो रहा।
सर मैं उसे 2-3 बार मिली हूँ, तो वो जो इंसिडेंट जहाँ तक का सुनाता है वो 15 जून तक का सुनाता है कि ये ऐसे हो गया। तो जब मैंने उससे मतलब ये बात पूछी कि 17 जून को एक लड़के की मतलब कॉल आई है, तो वो कैसे आ गई फिर, तो वो कहता है जैसे मैं बच गया, हो सकता वो भी बच गया हो, तो लेकिन अगर वो ये बच के वापस आ सकता है तो फिर वो भी आ सकता था जिसने 17 जून को कॉल की, लेकिन उसने कहा कि हम सब ठीक हैं, तो इट मीन्स कि हरजीत कहीं ना कहीं झूठ बोल। आपको बता दें कि जिन 39 भारतीयों को 11 जून 2014 को मोसुल से ISIS आतंकियों ने अगवा किया था, उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार और केरल के रहने वाले भारतीय थे। अगवा भारतीयों के परिजनों को अपने बच्चों की तलाश पिछले 3 साल से है, मगर अब तक कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अलबत्ता 3 साल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 9 बार इन परिवार वालों से मिल चुकी हैं, लेकिन इन मुलाकातों का फिलहाल कोई मतलब निकलता नहीं दिख रहा। परिवार वालों को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उनके बच्चे लौट आएंगे, मगर वो सुबह कब आएगी कोई नहीं जानता। आनंद पटेल, अमृतसर, आज तक।